अस्सलाम वालेकुम। कुछ पसंद आई जैकेट वगैरह? नहीं, देख रहे हैं इधर कैमरे की तरफ देखिएगा। महंगाई ज़्यादा है कि कम है? महंगाई तो है, महंगाई है। जो पिछले साल आप जैकेट्स वगैरह खरीद रहे थे, इस साल ज़्यादा महंगी होंगी। बस क्या करें, हालात ही ऐसे बन गए। हालात कैसे नॉर्मल होंगे? इनको बैठना चाहिए, जितनी भी अपोजिशन है और मिलजुल के जो है ना मसला हल करना चाहिए। अभी तो कह रहे हैं कि पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है, फिर क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। 5 मिनट से बंद करके जाते। हाँ जी, जैकेट पसंद आई आपको? सही है, पूरी है। हाँ पूरी है। इसको जीन्स की पैंट के ऊपर ही पहनेंगे? हाँ पहनेंगे। अच्छा, कितने की कह रहे हैं? 1400 की। 1400 की, इससे बेहतर है कि आप बाहर से खरीद लें। नहीं, बाहर 5000 से नीचे की नहीं मिलती है। ये वाली 5000 की? ये हाँ तकरीबन। यानी गरीब बंदा यहाँ पे आके अपने शौक को पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं 1000-2000 में? हाँ पहुँचा सकता है। तो अभी आप इनके साथ बार्गेनिंग करेंगे? हाँ करेंगे। कितने तक आ जाएगा? उनसे ही पूछें। अच्छा चलें, जब ये खरीदे मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मेरा शायद। तुम्हारा ही पूछा और किसके? मैंने पूछ रहा था शायद। क्या बेच रहे हैं? चिड़िया। ये चिड़िया दिखाइएगा जी। ये चिड़िया बेच रहे कितने की है? ये 100 रुपये का। महंगाई ज़्यादा नहीं कर दी तुमने? हाँ ज़्यादा, इमरान खान ने महंगाई बनाया। इमरान खान ने तो नहीं मंगाया है, तुमने खुद बनाया है। ये 20 रुपये वाली तुम 100 रुपये में बेच रहे हो? हमने किधर बनाया, इमरान खान ने बनाया। ये दिखाओ ना जरा आवाम को, किस तरह चलाते हो ये, किस तरह ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा ये 20 रुपये की है? हाँ 100 रुपये का एक। हाँ तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर है, ये तुम 100 रुपये की दे रहे हो? पहले 12 में एक दाना मैंने 24 रुपये का लेना था। अच्छा, अब ये 40 रुपये का हो गया। तुम 60 रुपये कमा रहे हो इसके पीछे? हाँ 60 रुपये कमाता है। ये देख ले, मान गया ये 40 रुपये वाली चीज 100 रुपये में बेच रहे हैं। और भाई 50% कमा लेना, 80 रुपये की ले। 80 रुपये का बेचो इसको। 80 रुपये में क्या कर लेगा? 70 रुपये। इमरान खान का कसूर है जी, ये खुद महंगाई इन्होंने खुद की हुई है और ये कह रहे हैं कि इमरान खान का कसूर है, 100 रुपये में बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वसीम हाशमी आज मौजूद है इस्लामाबाद G8 के बाज़ार में। यहाँ पर जो हफ्तावार बाज़ार लगता है, हम आवाम से पूछेंगे कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल उनको महंगाई कैसी लग रही है, क्योंकि मौसम ने ली है अंगड़ाई, सर्दी है शिद्दत के साथ आई। आइए बात करते हैं आवाम से और आवाम का नज़रिया आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, की हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मंडी बहुत दिन तो आए? नहीं नहीं, रिमर खान तो, रिमर खान तो आए हो। चना चाट सही लग रही है? जबरदस्त, बहुत फिट बनी है। कितने की शॉपिंग कर ली? शॉपिंग ते जेड़ा शूज लेते ने बंदे को ही रखाए ने। अच्छा हां, 8000 रुपये दे लेते ने। बूट ले ने? हां जोगर। खिलाड़ी हो? स्पोर्ट्समैन है, हाइक करते हैं, क्रिकेट पसंद है। अच्छा, महंगाई ज्यादा नहीं हो गई इस बार? बहुत ज्यादा हो गई है महंगाई, दा तो कोई शक नहीं है। यानी हुन लंडा बाजार ना आया जाए? नहीं नहीं, लंडा बाजार आया जाए, क्यों ना आया जाए। इंपोर्टेड शमा तो सस्तियां लग जांदियां ने। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਲੈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਏ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਕੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਅੱਲਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ज़मीनों आसमान के चला रही है। इंसान के बस की किधर बात है, इतनी महंगाई को सरवाइव करता इंसान। पढ़े लिखे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक क्वालिफिकेशन है मेरी, मैट्रिक पास हैं। चना चाट बेच रहे हैं, तो रोज़ाना की कितनी, वैसे डेली कितना कमा लेते हैं? बस इतना हो जाता है कि हैंड टू माउथ बस। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस शॉप में इधर यहाँ पर तो महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि आप दूसरी जगह पर जाएँ वहाँ महंगाई ज़्यादा है। वैसे आप अगर कराची कंपनी जाएँ और आप इसके अलावा सेटेलाइट टाउन जाएँ, वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है। और यहाँ पर जाए ऑब्वियसली रेट का फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि आपका जब फ्यूल एक्सपेंसिव होता है तो बाकी चीज़ों में भी फ़र्क पड़ता है आपका, क्योंकि फ्यूल का रेट बढ़ रहा है तो आपका चीनी आटा और जो क्लॉथ वगैरह सब कुछ महंगी हो जाती चीज़ें। यहाँ पर कुव्वते खरीद मैं देख रहा हूँ बहुत कम है, आवाम ज़्यादातर विंडो शॉपिंग कर रही है और जा रही है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि आज मंगल का दिन है, इसलिए भी थोड़ा कम है। संडे वाले दिन आए तो यहाँ पर रश ज़्यादा होता है, क्योंकि एक आप नॉर्मल हाँ महीने का आगाज़ है। दूसरा ये कि आप सेटलर टाउन जाएँ या आप किसी और मार्केट्स में जाएँ जो एक्सपेंसिव है, वहाँ पर रश कम होगा, यहाँ पर ऑब्वियसली संडे वाले दिन रश ज़्यादा होता है।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है पिछले साल की बनिस्बत इस बार। जो लंडे बाज़ार में मैंने लोगों से पूछा है वो कहते हैं कुव्वत खरीद से हर चीज़ बाहर होती जा रही, क्या वजह है इसकी? महंगाई ज़्यादा हो गई है। क्यों हो गया महंगाई? बस समझ से बाहर है, इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है, उससे पहले क्या दूध की नहरें थी यहाँ पे? यूं ही समझ लो, दूध की नहर ही समझ लो। फिर भी अच्छा था पहले की नस्बत। हाँ, अभी तो हर कोई रो रहा है। अभी इतवार बाजार में भी आ जाओ, इधर भी बुरा हाल है हर चीज। फातिमा कितनी शॉपिंग कर चुकी है अभी तक? अभी सिर्फ कारपेट देख रहा हूँ। कारपेट देख रही है? नाज़िम ये कह रही है महंगाई का फिर लिया नहीं है? नहीं नहीं लिया नहीं। क्या कह रही है? बस कुछ बराबर नहीं आ रहा अभी तक। तो सर बराबर करें ना, क्या कह रहे? बस लगे लगे हैं बस। आपका बजट कितना है? वो तो नहीं बता सकती मैं। उनके पास पैसे काफ़ी हैं, मार्केट छोड़ के यहाँ पे बैठी हैं और गालियाँ इमरान खान को निकाल रही हैं। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, आप क्या कहेंगे? बस इतनी अच्छी है कि बस अब अल्लाह ही हाफिज है इस गवर्नमेंट का। तो अब हम कुछ कर ही रहे हैं, सारे मिल के करें, लेकिन हम लोग फिर भी ले ही रहे हैं ना। कौन सा ऐसा बंदा जिसके हाथ में शॉपर नहीं है? अच्छा, ले ही रहे हैं। अगर 1000 के भी होगी तो लेंगे। यानी वो सही कहते हैं कि 200 रुपये पेट्रोल हो गया तो इस कौम ने फिर भी डलवाना है। गाड़ियाँ हमने कौन सा घर रख ली हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। अभी पहले से ज़्यादा रश हो गया अभी गाड़ी। आप यकीन करें मैं आधा घंटा पार्किंग ढूंढती रही और मुझे पार्किंग नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से वेट किया है, एक गाड़ी निकली है, फिर मैंने अपनी गाड़ी लगाई है। तो महंगाई तो आप और जितनी भी बढ़ जाए रश ऐसे ही रहेगा, इतना ही रश रहेगा सबका। लेकिन हो सकता है सिर्फ लोग विंडो शॉपिंग वाले ज़्यादा हों, ये तो दुकानदारों को पता होगा जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम भी तकरीबन 2 घंटे हो गए आए हुए, लेकिन अभी विंडो शॉपिंग। नाम क्या आपका? नैना हसनैन। मेरा सच्ची बात है नैना के साथ, बहुत शुक्रिया।